प्रेरित हो, निश्चित ही सरकार आज का उद्बोधन अविस्मरणीय होगा। आपने NIEPPD जैसा आपको ज्ञात है, दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में वह राष्ट्रीय संस्थान जो उन्नता के शिखर पर दीप्तिमान होकर के दृष्टि दिव्यांग साथियों की उन्नति हेतु, शैक्षणिक उन्नति हेतु एवं उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन से लेकर शिक्षण सहायक सामग्रियों, प्रशिक्षणिक व्यवस्थाओं, रिसर्चों और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के कुशल संयोजन हेतु जाना जाता है। वहां पर आपने 30 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत कर और अनुभवों के द्वारा केवल भारत नहीं अपितु ब्रेल विकास की क्रमिका में, उस क्रम में आपने विदेशों से वहां के भावों से सामंजस्य करते हुए ब्रेल पर बहुतेरे कार्य किए। तो आज हमारे सभी विशेष शिक्षकों और हम जैसे विद्यार्थियों का यह सौभाग्य होगा कि हम सर को सुनेंगे। आप पता है यह कार्यक्रम 3 बजे से सुनिश्चित है और इस कार्यक्रम को हम सब समय प्रारंभ करने के लिए कमिटमेंट कर किए रहते हैं और हम कार्यक्रम को सब समय प्रारंभ करते हैं। तो मैं कार्यक्रम के प्रारंभिक अवस्था में सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय वीरेंद्र सर का मैं बहुत बहुत स्वागत, उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करता हूं और कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु अपना आशीर्वचन प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के कोष कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य अनुसरण विभाग CRC लखनऊ को आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन प्रदान कर कार्यक्रम को अग्रमुख करने में अपने मुख्य प्रदान करें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश सर, धन्यवाद। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में हम आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, खास करके आज जो हमारे आज के स्पीकर श्री वीरेंद्र सिंह सर हैं, जो कि ऑलरेडी हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं इस पटल पे, उन्होंने अपने विचार पहले भी प्रकट कर चुके हैं और आज एक बार फिर से उनको सुनने का इस पटल पे हम लोगों को मौका मिलेगा। सर, ब्रेल डेवलपमेंट के, ब्रेल के बारे में बहुत कुछ नॉट ओनली हमारे यहाँ बल्कि अलग अलग राज्यों और हमारे देश में एज ए ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। सर का ब्रेल के विषय में जो इनकी एक्सपर्टाइज है उससे हम आज बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के साथ मैं अपने निदेशिका महोदय के तरफ से डॉक्टर मिस स्मिता जयवंत मैडम, निदेशक डायरेक्टर PDU NIPPD न्यू दिल्ली, एंड बिहाफ ऑफ आवर डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर जी एंड हमारे मंत्रिमंडल मिनिस्टर DPEWD MOSJEE न्यू दिल्ली, इन सबों के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं सर। और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी अभी इस वेबिनार में जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हम अभी वीरेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। थैंक यू। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में धारे श्री वीरेंद्र सिंह सर, ब्रेल पूर्व ब्रेल विकास अधिकारी NIEPPD को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए। आवाज के विषय भारत में ब्रेल गणितीय संहिताओं के विकास पर अपने महत्वपूर्ण अनुभव हमारे बीच साझा करें। आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर।
सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आदरणीय बीरेन सिंह सर, हेलो हेलो, सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम सर, आ रही आपकी आवाज आवाज आ रही हमारी? सर। आ गई? जी सर, जी सर, थोड़ा तकनीकी तौर पे देखना पड़ता है जी तो सर। सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन जी और नागेश पांडे जी और अन्य अन्य आज के इस अवसर पर पधारे अधिकारी गण सीआरसी के, और आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी साथियों आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं कार्यक्रम में जो दायित्व दिया गया है उसके निर्वहन के तरफ आगे बढ़ता हूं। और मेरा ये शायद दूसरा या तीसरा अवसर है जब मैं लखनऊ सीआरसी ने मुझे याद किया है, अब वो पता नहीं प्रेम ज्यादा है स्नेह ज्यादा है, याद करते रहते हैं हमें, और मैं नहीं जानता कि मेरी बातें कितनी उपयोगी होती हैं नहीं होती हैं, ये तो वो लोग जानते होंगे। तो फिर भी अपनी जो कुछ भी है वो के समय दायित्व में भा रहा था क्योंकि ब्रेल विकास अधिकारी में, और बहुत कम लोगों की धारणा है कि ब्रेल में विकास की भी संभावनाएं होती हैं। ब्रेल के बहुत से पहलू हैं जहां उस पर कार्य करने का क्षेत्र होता है, लेकिन उसको देखते हुए ब्रेल प्रेस एनआई विकास अधिकारी का पद सृजित हुआ और उस पर मुझे रखा गया। तो मैंने अपने अनुभव जो भी 30 साल में करने का प्रयास किया और आप लोगों के साथ वही बांटता हूं। तो आज का जो विवेच्य विषय है कि ब्रेल गणितीय ब्रेल संहिताओं का विकास, वास्तव में साथियों ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग ब्रेल की जब बात करते हैं तो ब्रेल की हर उस पहलू पर एक हमें अलग से गवेषणात्मक समीक्षा करनी पड़ती है, चाहे उसका अपना संगीत स्वर लिपि हो या कंट्रक्शंस हो या पढ़ने पढ़ाने की विधि हो, ये सारी चीजें हैं जो ब्रेल के बिंदुओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो अलग से ध्यान देन केंद्रित करना पड़ता है। क्यों कि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं ऐसा मैं मानता हूं, और आप सब लोग ब्रेल क्या है, उसकी उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किनने किया, ये सब आप भली बात परिचित। बात यह है कि ब्रेल गणित संहिता, ब्रेल कोड जिसको हम कहें आम भाषा में संहिता, तो ब्रेल कोड बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है भारत में, तो ब्रेल के ऊपर जो कार्य हुआ वो बड़ा लेट शुरू हुआ था। आप सबने पढ़ा होगा क्योंकि ब्रेल की सर्वमान्य लिपि न होने के अभाव में पहले तो ब्रेल ही नहीं था हिंदुस्तान में, था लेकिन सर्वमान्य लिपि जो भारतीय ब्रेल के रूप में 1951 में स्वीकृत हुई उसके उपरांत ही ब्रेल के अन्य पहलुओं पर कार्य करने के लिए सोचा गया। तो पहला पहलू तो ये था कि जब 1951 में ब्रेल बनी अप्रैल में, उसके बाद ये सोचा गया कि इसका प्रसार प्रचार हो, तो तत्कालीन जो लोग थे एनआईवीएच में, एनआईवीएच तो था नहीं तब, वो ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड हुआ करता था, उसके तत्वावधान में कुछ कोर्स आयोजित किए गए ताकि लोग नए कोड से परिचित हों, और उसमें ये हुआ कि 10 साल तक इस कोड को प्रयोग में लाते रहेंगे, पहले भारतीय ब्रेल के अन्य भाषाओं में जो कोड बना था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। अर्थात 1961 के बाद
जो ब्रेल के अन्य एस्पेक्ट हैं, जैसे संकोच और संगीत चिन्ह या साइंस कोड या जो और अन्य इसकी विधाएं हैं, उस पर कार्य करने की बात अभी नहीं सोची। कालांतर में जब ये देखा गया कि ब्रेल उत्तरोत्तर पूरे भारत में अपना स्थान अन्य भाषाओं में बना चुका है, अर्थात जो भी भाषाएं भारत में थीं जिनके लिए ब्रेल निर्मित हुई और उनके अध्यापकों और उनके बच्चों तक पहुंचने लगी, तब उसके बाद अन्य पहलुओं पर धीरे धीरे लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ। परेशानी ये थी कि उस समय हमारे भारत में कोई एक संस्था भी नहीं थी जो इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे सके। रिसर्च बॉडी तो थी नहीं कोई। एनआईवीएफ ये बहुत बाद का स्वरूप है, ये तो 1979 का एक स्वरूप है, परिवर्तित स्वरूप, बहुत विकसित स्वरूप है। उसके पूर्व टीसीएबी ही हुआ करता था, जो ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड। तो ब्रेल हम ज्यादातर अपने को केंद्रित रखें ब्रेल संहिता पर ही, बाकी चीजों पर नहीं जाएंगे। तो ब्रेल गणितीय संहिता पर ध्यान हमारे हिंदुस्तान में बहुत बाद में गया। यूं तो पूरे दुनिया में ब्रेल गणित संहिता के ऊपर कार्य हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेजी ब्रेल बनी तो उन्होंने अपने लिए कोड गणित के लिए बना दिए। और इसी तरह से, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि ब्रिटिश कोड और अमेरिकन कोड दोनों अलग अलग थे इंग्लिश के, तो उसका प्रभाव मैथमेटिक्स कोड के निर्माण पर भी पड़ा। उनके भी कोड अलग अलग थे। और जैसे कि मैं थोड़ा बहुत उदाहरण भी देता जाऊं, अगर अब वो बटे के लिए जो है वो 3-4 डालते थे, और यहाँ पर जो है कुछ और डालते थे, तो अलग अलग प्लस का साइन उनका कुछ और होता था, 3-4-6, जो कि आज भी वो करते हैं अमेरिकन्स। बाद में फिर वो यहाँ पर 3+ नहीं था, यहाँ पर 2-5 जो आरएनआईबी कोड है, ब्रिटिश कोड, 5-5-6 और 2-4-2-3-4 यूज करते हैं प्लस का साइन, वो अभी भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में लगभग 70 के अंत तक ब्रेल मैथमेटिक्स कोड के ऊपर कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां कि ब्रेल मैथमेटिक्स कोड के निर्माण पर कार्य किया गया। उसके कारण और भी थे। पहली बात तो यह है कि मैथमेटिक्स कोड की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए कि हमें मैथमेटिक्स टीचिंग करनी हो, तो जो मैथमेटिक्स टीचिंग है उसका ही स्वरूप या उसका ही स्तर हमारे देशों में, हमारे जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसमें जो भी थे, बड़े पारंपरिक थे और छोटे स्तर के स्कूल थे, 8वीं तक कोई हाई स्कूल, तो मैथमेटिक्स को इसलिए नजरअंदाज किया जाता था, और आज भी कुछ हद तक उसकी छाप है, कि उचित संसाधन, पर्याप्त संसाधन मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए नहीं है। उसमें एक तो मैथमेटिक्स जब हम कहते हैं तो इसके तीन ब्रांचेज हैं, रेखा गणित और ज्योमेट्री और अर्थमेटिक। तो उसमें अलजेब्रा, तो ये तीनों चीजों को ही सम्मिलित करके ही हम मैथमेटिक्स कहेंगे। ये नहीं केवल अर्थमेटिक पढ़ाना तो बहुत आसान था, तो आज भी आसान है। तो इन तीनों ब्रांचेज को ही के लिए भी पर्याप्त सोच होनी चाहिए और एक प्रयास होना चाहिए। तो उस दिशा में जो समस्या आती थी, एक तो टीचिंग सामग्री नहीं थी, टीचिंग एड पहली बात तो, कि कैसे रेखाएं बनाएंगे, कैसे कैंपस और मतलब जो भी है उनके लिए वो आवश्यक और उपयुक्त और बोधगम्य संसाधन नहीं थे। और दूसरी बात, वो जो भी थे, अब टेलर फ्रेम को ले लें हम, तो टेलर फ्रेम पर अर्थमेटिक तो हो सकती है, लेकिन रेखा गणित तो नहीं हो सकती। उसके लिए फिर दूसरे तरीके हमें चाहिए, ज्योमेट्री किट चाहिए, उसके लिए फिर अलग से संसाधन। तो लोग इस पर बहुत ध्यान नहीं देते थे, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि देश के कई
शैक्षणिक जो शिक्षा बोर्ड थे, परिषद थे, उन्होंने मैथमेटिक्स टीचिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया अप्लाई हाई स्कूल के बोर्ड, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लोगों ने समझा मैथमेटिक्स पढ़ना पढ़ाना अनिवार्यता नहीं है और इस पर कार्य भी उसी तरह से नहीं हुआ कालांतर में। लेकिन जब ये समझ में आने लगा कि मैथमेटिक्स एक आवश्यक विधा है जीवन में आगे बढ़ने की, के लिए बहुत बड़ी सीढ़ी है, तो एनएपी ने 70 के दशक में प्रयास शुरू किया और एनएबी वालों ने, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई ने, क्योंकि एनएबी यहाँ बहुत है तो इसलिए बताना जरूरी है, उन्होंने कोड बनाया था और वो कोड आरएनआईवी के कोड पर आधारित था और उसका किसी सीमा तक जहां भी जरूरत थी उनको उस कोड में जो मैथमेटिकल मटेरियल थे उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए उसका प्रयोग होने लगा। हमारे यहाँ ब्रेल प्रेस में भी हुआ था, एनआईवीएस में भी, कई जगह होते रहे। पहली बात तो यह है कि पढ़ाया नहीं जाता था स्कूलों में, जहाँ कहीं भी पढ़ाया भी जा रहा था तो इसका प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन उसकी अपनी एक सीमा थी कि उसमें ज्योमेट्री के लिए या अन्य जो पूरे ब्रांचेज हैं उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था, अर्थमेटिक की विधाओं को तो पूरा करता था लेकिन उसमें सीमा थी कि वो सारी संपूर्णता उसमें नहीं थी, कि सारे जो चिन्ह होते हैं, सारे जो आवश्यक सामग्री होती हैं मैथमेटिक्स में, उनको वो मुद्रित कर सके और उनमें लिखा पढ़ा जा सके। तो इस दिशा में जब 1979 में भारत सरकार ने एनआईवीएच, जो हमारा तत्कालीन एनसीबी था, नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड, वो बाद में कालांतर में नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड हुआ, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके एनआईवीएच बनाया, एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो उसके रोल में रिसर्च भी है, तो रिसर्च के तरफ बढ़ते हुए पहले उन्होंने हिंदी संकोच, जो संकोच और संहिता, हिंदी ब्रेल कंस्ट्रक्शंस एंड एब्रीविएशंस पे काम किए, अन्य भाषाओं पर, तो मैथमेटिक्स पर भी ध्यान गया कि एक यूनिफॉर्म ब्रेल मैथमेटिक्स कोड भी विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग मैथमेटिक्स को, पहली बात तो ये थी कि पुस्तकें छपें, फिर उसके बाद जो भी बाकी जरूरत है अध्यापक उस तरह से ट्रेंड हो, फिर उसके बाद सहायक सामग्री हो, वो तो समय के साथ विकसित हो सकती है, लेकिन पहली आवश्यकता तो यही थी। तो 1988 में हमारे एनआईवीएच में एक वर्कशॉप की गई मैथमेटिक्स कोड के विकास पर, और ये आवश्यकता महसूस की गई कि भाई इस तरह का कोड बनाना आवश्यक है भारत के संदर्भ में, क्योंकि जितने भी कोड अभी सरकार बाहर के हैं वो भारत में उस तरह से यथावत अपना लेना शायद खतरनाक होगा और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उचित न होगा, इसलिए भारत के संदर्भ में निर्णय हुआ कि बनाया जाना चाहिए। और उसमें फिर संसाधनों की बात हुई, क्योंकि ब्रेल मैथमेटिक्स कोड बनाना इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि उसमें एक तो मैथमेटिक्स का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, साइटेट का जो प्रिंट, दूसरा ब्रेल भी अच्छी होनी चाहिए ताकि उन कठिनाइयों जटिलताओं को समझकर जो चिन्ह अपनाए जाएं, जो साइटेड सिंबल्स हैं उनके अनुसार, ये बातें थीं। तो कुछ लोग मिले जो उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों में काफी काबिल लोग थे, और उसमें अगर आप लोग नाम सुने तो जरूर होंगे, पुराने लोग अगर होंगे तो, एक थे वहाँ एजुकेशन डायरेक्टर एनएबी, तो वो ब्लाइंड तो बाद में हुए थे इसलिए उनको मैथमेटिक्स का ज्ञान था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई साइटेड। दूसरे हमारे हर्षद जोशी जी थे, एक वहाँ गुजरात के,
उन का निर्णय हुआ कि इनकी मदद लेनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट इसे प्लेटफॉर्म में चलाया जाना चाहिए। तो यूनिसेफ के द्वारा 1 साल का NIBH इनको मिला और उसके कोऑर्डिनेटर MK चौधरी, और अब दोनों स्वर्गीय हैं, अब हैं नहीं दोनों, और SS जोशी जी, ये दोनों डिप्टी कोऑर्डिनेटर थे और इन्होंने कार्य किया। और हाँ, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो उस वर्कशॉप में कई बातें तय हुई थी कि हमें कोड किस स्तर का बनाना है। तो उसमें ये देखा गया कि जब वो बनाना शुरू किए तो उसमें ये देखा गया कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो कोड है उनका अध्ययन करें, रसिया का भी था, अमेरिकन कोड, ब्रिटिश कोड, इन सब का अध्ययन करने के। तो उसमें ये देखा गया कि एक जो नेमिथ कोड है, नेमिथ कोड आप लोग जो आजकल बहुत लोग जानते हैं, यूज कर रहे हैं, अब्राहम उन्होंने बनाया था, नेमिथ उनका सरनेम था, 1971 में उन्होंने बनाया था मैथमेटिक्स के कोड के लिए। अब यहाँ पर मैं अभी बता दूं कि मैथमेटिक्स के चिन्ह या मैथमेटिक्स का प्रयोग केवल मैथमेटिक्स संदर्भ में तो नहीं होता, साहित्यिक संदर्भ में भी होता है। तो उसके लिए कोड ऑलरेडी अमेरिकन जो इंग्लिश कोड था उसमें था, लेकिन फिर भी नेमिथ ने मैथमेटिक्स के संदर्भ में जो उपयुक्त समीचीन चिन्ह थे उनको दृष्टिगत रखते हुए अलग से ब्रेल नेमिथ कोड का निर्माण किया जो बहुत व्यापक है। अब ये हुआ कि भारत में उतनी व्यापक कोड को अपना लेना चाहिए यथावत या नहीं, तो इसमें ये हुआ कि पहले हमें किस स्तर के चिन्हों के लिए, हमें पाठ्य पुस्तकों के लिए मैथमेटिक्स कोड का विकास करना चाहिए। तो उसमें ये निर्णय हुआ था, वर्कशॉप जो नेशनल वर्कशॉप हुई, कि हमें हाई स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं, गणितीय आवश्यकताएं हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए चिन्हों का निर्माण करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है विद्यालयों में। पहले तो अभी सोच नहीं है, उनको एग्जम्पशन दे रखा है बोर्ड से, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, एक सोच बनाने में टाइम लगेगा। तो ये हुआ कि दृष्टि जो हाई स्कूल तक के जो गणित पुस्तकें थीं उनका अध्ययन किया गया और उनमें आवृत्त होने वाले जो जो मतलब आने वाले चिन्हों का फिर उनके लिए बनाया गया। और ये काफी प्रयास इन्होंने किया, सारे टेक्स्ट और कई संस्थाओं, कई बोर्डों के, और यहाँ वहाँ, ताकि क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर कोर्स कुछ हो कहीं पर कुछ, तो एक हाई स्कूल के स्तर को ध्यान में रखकर इन चिन्हों का अध्ययन किया गया, चिन्हित किया गया और उनके लिए ये कोड बनाया गया, ब्रेल नेमिथ कोड, जो आज आप प्रयोग में लाते हैं, जिनको बहुत प्रचलित है वो। अब उसमें जो बनाया गया 183 चिन्ह ऐसे हैं जो आज का हमारा ब्रेल मैथमेटिक्स, और कालांतर में तब मैं वहां था तो ये प्रोजेक्ट मेरे ही अंदर में था, लोग उसमें देख रहे थे। तो उसको पहली बात है कि कोई भी जब चीज बनती है हिंदुस्तान में या कहीं भी, आप उसको बना करके केवल फाइलों में रख दें या लैब में रख दें, उससे बहुत बात नहीं बनती। तो हम लोगों ने बहुत सारी श्रृंखलाबद्ध ढंग से अनेक पाठ्यक्रम किए हुए हैं, बाले के लोगों ने, जो पुराने लोग होंगे उन्होंने अटेंड किया होगा, अगर मैथमेटिक्स टीचर कोई अगर जुड़े हों इसमें, मैं नहीं जानता कोई है कि नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी तो नहीं, क्योंकि ये 89 में जाके अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है, न्यासी मतलब प्रोजेक्ट 89 में ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट और ये बन गया। उसके बाद वर्कशॉप ने कहा कि भाई 15 15 दिन के आप पाठ्यक्रम आयोजित कीजिए अल्पकालिक, और जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं और जो ब्रेल ब्रेल प्रेस से लोग हैं उनको ट्रेंड करिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, ताकि वो उनको सीख कर किताबें बना सकें और अपने अपने स्कूलों में बच्चों को सिखा सकें।
तो इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए वो पाठ्यक्रम आयोजित कई सालों तक किया जाता रहा हमारे द्वारा और एनआईडीएस के द्वारा। और बाद में ये हुआ कि अब शायद समय नहीं है इसका, अब बहुत ज़्यादा प्रचार, काफ़ी कई दर्जन प्रोग्राम हुए थे हमको याद है, बाद में बंद हो गए थे। इसके बाद धीरे धीरे ये लगने लगा कि, और हमारा जो ब्रेल मैथमेटिक कोड है, निमित कोड, इसको ही नाम दिया गया ब्रेल मैथमेटिक कोड फॉर इंडिया, उसको इसी नाम से जाना जाता है। उसमें दो तीन रिकमेंडेशन और भी थी कि इसका प्रयोग छठी क्लास के उपरांत ही किया जाए, छठी क्लास तक की जो पुस्तकें हैं उनमें इसका प्रयोग न किया जाए, और शायद अभी भी नहीं करते, पता नहीं, उचित मुझे नहीं मालूम पूरा, क्योंकि ब्रेल अपने में बड़ा कठिन होती जाएगी और अलग से उसको सिखाएंगे, फिर बच्चे को ज़्यादा पहले ब्रेल सीखेगा फिर मैथमेटिक कोड अलग से सीखना पड़ेगा उसको, इसलिए ये रिकमेंडेशन। फिर ये चलता रहा सिलसिला, फिर ये हुआ कि इस पर रिव्यू किया जाए, एक सर्वे किया जाए कि भाई इसका उपयोग कितना हो रहा है। इस पर हम लोगों ने कुछ सर्वे किए थे, बनाया था क्वेश्चनेयर स्कूलों में कि भाई कोई परिवर्तन की ज़रूरत है या आगे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई स्कूल तक का ये था, तो बहुत लोगों ने उसमें बहुत उत्साहवर्धक जवाब नहीं आए, लेकिन जो भी आए थे उसमें ये प्रयोग ये इस्तेमाल होने लगा था। वैसे बाद में 2007 में हमारे यहाँ फिर ये सोचा गया कि डायरेक्टर हमारे यहाँ ही अनुराधा जी, उसके बाद ये हुआ कि भाई इस पर काम किया जाए, और एक हमारी ब्रेल काउंसिल तब तो नहीं बनी थी, बनने की अवस्था में थी, कि इसको रिव्यू किया जाए कि भाई आगे आवश्यकता है कि नहीं है। तो लोगों ने ये महसूस किया कि अब लोग मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में कई ब्लाइंड लेने लग गए हैं, क्योंकि दृष्टिहीनता का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बदल रहा है, बचपन से ब्लाइंड नहीं न होकर बाद में भी ब्लाइंड आते हैं जो 8वीं पास हो जाएं, या उनको मैथमेटिक्स का ज्ञान है बाद में ब्लाइंड हो गए, ऐसे लड़के बच्चे लेते हैं सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स के रूप में, तो उनको बैकग्राउंड तो रहता है, कंसेप्ट तो है, उनको जरूरत है केवल एक सामग्री की और एक सहायता की, उसकी आवश्यकता थी। तो उसमें ये हुआ कि इसका रिव्यू करके इसका विस्तारीकरण हो, इसका थोड़ा उच्चीकरण किया जाए, अपग्रेड किया। तो 2007 में दिल्ली में हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी टीचर्स की, और ये महसूस किया गया कि भाई ये किया जाए, और इस पर महसूस हुआ कि नहीं करना चाहिए, और उस बैठ कर दो दिन में टेक्स्ट बुक्स अलग अलग बोर्ड्स के अध्ययन किए गए कि 12वीं तक, ये भी हुआ कि 12वीं तक के ही चिन्ह इसमें सम्मिलित किए जाए फिलहाल, क्योंकि 12वीं के बाद थोड़ा सा काफी कठिन, काफी कठिन, इसलिए उसमें अभी सोचा गया कि फिलहाल 12वीं तक के लिए इस पर काम करना चाहिए। और उसमें जो हम लोगों ने काम किया कुरुक्षेत्रा में भी एक वर्कशॉप हुई हमारी 2007 में ही, तो हम लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स कोड बनाया, उसका नाम दिया था एडवांस ब्रेल मैथमेटिक्स कोड, इसी निमित कोड को ही। और दुर्भाग्य कहें या जो भी है, थोड़ा सा तब तक हमारी जो ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका इसकी भी कहानी थोड़ी सी जब चर्चावश मैं बता ही दूं कि जब 2009 में हम लोग लुई ब्रेल जी की जो द्विशताब्दी मना रहे थे, तो भारत सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, क्वाइंस वगैरह रिलीज किए गए थे, 2 रुपए के सिक्के बनाए गए, तो मतलब और भी दो एक कार्यक्रम थे, तो ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का अस्तित्व तभी प्रारंभ हुआ, और उसमें ये हुआ कि ये एडवाइस करेगी, और जो भी इस तरह के कार्य होंगे उनका रिव्यू करना, मार्गदर्शन करना, और जो भी इस दिशा में उपकरण बनेंगे या जो भी होगा उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, और भी जो भी सुझाव देना है या रिसर्च के लिए कोई और पहलू हो उनको सजेस्ट करना, ये सारे उसको रोल हैं।
तो ये कोड उनके सामने गया और ये हुआ कि ठीक है, इस पे आगे काम होना चाहिए। और उसमें कुछ विलंब होने लगा। उस बीच में एक तत्कालीन प्रक्रिया से गुजरने के कारण कई थोड़ा देर हो गई उस कोड को अंतिम रूप देने में। 11-12 तक ये बात नहीं बनी। और उसमें थोड़ा समय एक और नया ट्विस्ट आया जो मैं जोड़ना चाहता हूँ उस विलंब होने में, कि एक यूईबी कोड बना बना हुआ है और उसमें जो हमारा ये भारत है उसमें कई देश हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। इंग्लिश लिटरेचर काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेल है वो। तो उसमें ये हुआ कि भाई यूईबी को अपना लिया जाए। और यूईबी की थोड़ी सी मैं बात कर लूं क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो संदर्भ थोड़ा सा नहीं आएगा। तो उसमें हमारे यहाँ कुछ लोग थे जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि ये प्रेशर पड़ रहा है कि यूईबी भी अपनाया जाए भारत में भी, और सभी देशों ने अपना लिया है। तो फिर हम लोगों ने ये मुद्दा ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में आया कि ये तो उचित नहीं है कि कहीं पर कोई चीज बन गई हो उसको बिना चर्चा बिना अध्ययन बिना सोचे समझे हम लोग उसको एज इट इज अपना लें। हमारे संदर्भ में कितना कारगर होगी, कितना उसका अपनाया जाना हमारे लिए लाभप्रद होगा, इन बातों पर भी विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए और अच्छा अध्ययन होना चाहिए। तो उसमें उसकी विशेषता प्रमुख यह है, खासतौर से मैं बता दूं, बाकी चीजें नहीं जाता हूँ, कि उन्होंने अलग से कोड नहीं बनाया। अभी तक जो आपने मैंने बात की है, यूईबी के अलावा जितने भी कोड हैं, इंग्लिश ब्रेल, अमेरिकन कोड कहें या ब्रिटिश कोड कहें जो भी है, या हिंदुस्तानी भारतीय ब्रेल कहें जो भी है, उसमें मैथमेटिक्स कोड अलग से बना हुआ है। जैसे ब्रेल नेमेज कोड है, ये अलग से बना हुआ है। और इसमें जो एक विशेषता है, आप सब ब्रेल मैथमेटिक्स कोड अगर यूज कर रहे हो नेमेज कोड का, तो ये जानते होंगे कि लिटरेरी संदर्भ में हम जब संख्याएं लिखते हैं तो अपर साइन का प्रयोग करते हैं। ए बी सी डी जो है यही है, उसको नंबर साइन लगा देते हैं। तो हम 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते जाते हैं। इससे भली बात आप परिचित होंगे। लेकिन ब्रेल मैथमेटिक कोड जो निमित कोड है, उसमें इसका प्रक्रिया उल्टी हो गई। उसमें नंबर साइन तो होगा, लेकिन सारे नंबर जो ए बी सी डी हैं, जिनको हम अपर सेल में यूज करते हैं, उनको लोअर में ला देंगे। ये बड़ा बेसिक सिद्धांत है उनका। तो इस तरह से अब समझने की बात है कि उचित भी है नहीं भी है, ये आप विचार करें कि एक तरफ हमारा बच्चा या हम सभी लोग, बच्चा ही क्यों, हम लोग भी यूज करें कर ही रहे हैं कि लिटरेरी हेलो संदर्भ में, लिटरेरी संदर्भ में, साहित्यिक संदर्भ में हम जब सर, नमस्ते। लिटरेरी साहित्य में हम जब यूज करते हैं तो दूसरे शैली अपनाते हैं लिखने के लिए, और नियमित कोड में हमें फिर अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे हमें 1/4 नमस्ते सर, उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अब उसमें दिक्कत हो बच्चे को सीखने में भी, और जो है उसको भी मतलब डबल डबल गणित का ध्यान रखना होगा, और एक जगह फिर उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका हम थोड़ा सा और हम विषयांतर करते हुए मैं कहता हूँ, क्या हम साइटेड बच्चे को साइंस कोड या मैथ कोड तो नहीं सिखाते? उसके वो अपने समय के हिसाब से अपने कक्षा स्तर के साथ साथ चीजों को ग्रहण करता रहता है और संदर्भवश विषयगत आवश्यकता के अनुसार वो चीजों को सीखता रहता। तो यूईबी, यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल उसका नाम है। यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो सारी चीजों को मिला करके उन्होंने बनाया, और उनमें उस सारी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा गया जो कि हम एक भाषा के लिए, एक विषय को पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। बहुत व्यापक है वो भी। तो उसमें गणित चिन्ह की जरूरत नहीं है,
और वही लिटरेरी कोड में भी यूज होते हैं और वही गणित के संदर्भ में भी होते हैं। ये उसका बड़ी विशेषता है उस कोड की। भारत में जो मैं बात कर रहा था ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में कि जब हम लोग यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल करेंगे तो इसका एक लाभ होगा कि हम यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल के जरिए जो बच्चों पर या अध्यापकों जो हमारे भावी जो अध्यापक उनके प्रशिक्षण को सरल बनाने के लिए अलग से सिखाने की और मैथमेटिक्स कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए उस नियमित कोड को फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। और उसी संदर्भ में जो एडवांस कोड बना था उस पर भी कार्य नहीं हो पाया। बाद में एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था रिव्यू ऑफ भारतीय ब्रेल, जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की, वो बहुत वो भी बड़ा व्यापक प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो गया है। तो वो भी साथ साथ चल रहा था और कोई भी चीज जानते हैं ये हमारा यूईबी कोड बनने में 20 साल लगे हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में बड़े ऑस्ट्रेलिया में कई लोग मिलकर के बड़े बड़े लोगों ने इस पर कार्य किया है, तो कोई कार्य करने में बड़ी दिक्कत होती। तो उसका ये हुआ ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम लोग इसको अपनाने से पहले भारत संदर्भ में जो हमारा वर्तमान ब्रेल है भारतीय ब्रेल है उसका उसके ऊपर इसका प्रभाव दुष्प्रभाव या अन्य कोई कठिनाई आ रही है या नहीं आ रही है, किस हद तक हम इसको अपने संदर्भ में अपना सकते हैं, इस पर हम लोगों की कमेटी बनी थी और काफी मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि इसको हम लोग लागू करेंगे। लेकिन हम तब तक इंतजार कर लें कि जब तक कि भारतीय ब्रेल का, क्योंकि भारतीय ब्रेल में भी कुछ बदलाव की ही बात थी, आज के संदर्भ में भारतीय ब्रेल को रिव्यू करने की जरूरत थी, उस उद्देश्य को देखते हुए भारतीय ब्रेल का प्रोजेक्ट चला था। और उसके संदर्भ में ही हमें जो नवीन कोड आएगा उसी कोड के ही परिप्रेक्ष्य कि ये कहाँ हमें दिक्कत कर रहा नहीं कर रहा। तो वो चीजें फिलहाल वो भी स्थगित अवस्था में है और ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको स्थगित अवस्था में रखा हुआ। अब मुद्दा यह है कि देर होने लगी तो 2014 में ये हुआ कि नियमित कोड को जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। कई जगह से बातें आने लगी दो तो वही हो गया ना, हमें माया मिले न राम, न तो इधर आवश्यकता तो है। तो अभी नियमित कोड जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो चल रहा है और जो ब्रेल एडवांस कोड है वो भी बन तो गया है, हमारे नए बीएस में है, वो उस पर भी काम नहीं हुआ है। हालांकि उस पर आवश्यकता है वैसे काम करने की कि कम से कम उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें कुछ अल्पकालिक पाठ्यक्रम जरूर आयोजित करने चाहिए ब्रेल मैथमेटिक्स के, जो 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 टीचर्स हैं टीम जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उनके लिए उसके, ताकि कम से कम अवेयरनेस आए। और उसमें यही है कि भाई यूईबी कोड अगर लागू करेंगे तो फिर वो हमारे लिए वो उसका महत्व तो कम हो जाएगा और फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं बचेगी, इसलिए वो शायद अनावश्यक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे ख्याल से यही कारण हो गया था। तो हेलो है उसमें। अब मुद्दा यह है कि ब्रेल मैथमेटिक्स कोड अभी जो हमारा नियमित कोड है इस पर भी हमें सोचना चाहिए कि क्या ये पर्याप्त है या नहीं, और लोगों को लगता है क्योंकि कोई रिसर्च तो इस तरह की नहीं, तो आप लोग अभी कर भी रहे हैं इस जगह, इनके जितने भी पाठ्यक्रम हैं शिक्षण प्रशिक्षण के उनके पाठ्यक्रमों में भी नियमित कोड आता है और उनका इम्तहान भी होता है, सिखाते भी हैं लोग, पढ़ते पढ़ाते भी हैं। लेकिन अब देखिए कोरोना पीरियड आने से जैसे आप सभी लोग ग्रसित हैं पूरी दुनिया, ये तो वैश्विक समस्या है, तो 2-3 सालों से बहुत काम नहीं हो पा रहा है। ब्रेल काउंसिल का भी मीटिंग हुई भी थी, तो कुछ व्यवहारिक तौर पे काम तो तभी होगा जब ये सामान्य वातावरण हो और उस पर हम लोग आगे काम करें। तो ये बहुत नहीं है ब्रेल विकास इसका मैथमेटिक्स कोड का,
और इसमें जरूरत जिस बात की, केवल मैं थोड़ा सा और उसमें आगे बढ़कर बात करना चाहूंगा कि केवल दृष्टिबाधितों के शिक्षण में, दृष्टिबाधितों के मैथमेटिक्स शिक्षण में केवल ब्रेल संहिता ही एक मात्र कारक नहीं है, उसमें अन्य कारक भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान देने की। उसमें पहली बात तो यह है कि जो टीचिंग एड, जो सहायक सामग्री हम, उस पर भी कम से कम ये तो मैं जानता हूं कि टेलर फ्रेम है, उस पर लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। ब्रेल को अगर आप बना भी लो तो आप केवल सामग्री मुद्रण कर सकते हैं, अगर बच्चा सॉल्व कर रहा हो इस पर भी चिंतन की जरूरत है। लोग हमारे पास समय समय पर आते रहे और ये बातें होती रहीं कि साहब ब्रेल टीचिंग, मैथमेटिक्स टीचिंग के प्रोत्साहन के लिए एकमात्र उपाय नहीं है। हम कोई भी बहुत लंबे इक्वेशन से सवाल करते जा रहे हैं, करते साइटेड के पास ये सीन कि वो उसमें कॉपी में लिखता रहता है, हल करता रहता है, नीचे आता रहता है, काटता रहता है, फिर नीचे जाता रहता है, करता रहता है। ब्रेल में ये संभावना नहीं है। जो हमारा आज का ये सिस्टम है, ये उसमें क्योंकि हम एक एक लाइन को लिखकर चलते हैं, जो हमारा इक्वेशन बनता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बटा लिखना हो, कभी ये लिखना हो, तो ब्रेल की एक लिमिटेशन भी है। ये मत समझिए कि ब्रेल कोड बन गया और सारी समस्या हल हो जाएगी। तो एक तो ये समस्या आई, तो उसमें ये देखा गया कि अगर हमारे पास जो अभी सिस्टम हमारा लिखने का है स्लेट का, वो तो नीचे की तरफ लिखता, बार बार बच्चे को उठाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीजें हो, हर आदमी के पास तो होगा नहीं, ताकि उस कुछ किसी हद तक उसको उस पर लिख सके, सॉल्व करेगा वो। अब एकस एक विधा है हमारे पास, एक सामग्री, और टेलर फ्रेम हल तो, लेकिन उस पर जब लिखने की बात आएगी, क्योंकि जब आप करके उसकी पूरी प्रक्रिया समझाते हैं तो पूरा लिखना पड़ता है कि भाग इतना इतना बचा, इतना कोटेंट और इतना ए आया, फिर इसमें भाग हुआ, तो मतलब पूरा एक होता है। तो उस पर भी एक बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कई विद्यालयों में का प्रयोग करते हैं, कई जगह पर टेलर फ्रेम का भी करते हैं। कहें कि ब्रेल संहिता गणित की मिल जाए तो एक बहुत बड़ा, मतलब सारी समस्या का हल है, ऐसा नहीं है। उसके लिए और भी कारण, तो एक अपवर्ड राइटिंग स्लेट की भी बात करते हैं, जो कुछ लोगों ने विकसित भी किया और RNIB ने यहाँ बनाया, लेकिन उसमें बड़ी सीमाएं हैं। जो हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने हिंदुस्तान में भी एक दो जगह बनी हुई हैं, एडवांस इंजीनियरिंग बनाया है, NIBH ने तो नहीं बनाया था, कि जब हम लिखते हैं तो डॉट्स ऊपर को उभरता है, तो डॉट्स ऊपर को उभरता है क्योंकि वो स्टाइलस ऐसे ही बनाया है, जब उसमें हम प्रेस करते हैं तो डॉट्स ऊपर, लेकिन उसमें बहुत रिदमिक राइटिंग नहीं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें रिदमिक राइटिंग की जरूरत तो बहुत ज्यादा नहीं है, हमें इस पर काम करना चाहिए, अपवर्ड राइटिंग स्लेट के निर्माण पर, और कम से कम मैथमेटिक्स के लिए उसका उपयोग तो किया ही जा सकता है। तभी मैथमेटिक्स के शिक्षण को हम लोग और ज्यादा गति दे सकते हैं, उसको उन्नयन प्रदान कर सकते हैं। और आज के संदर्भ में, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि बिना गणित और बिना साइंस के दृष्टिहीनों का क्षेत्र भी जो है उतना तरक्की नहीं कर सकता, दृष्टिहीन भी उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे जितना कि करना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। कई बोर्ड ऐसे भी हैं जहां पर उनको अगर चॉइस कर दिया, चाहें तो ले सकते हैं, CBS में है, एग्जेम्प्टेड भी है और आप ले भी सकते हैं, लेकिन कई बोर्ड हैं जिन्होंने नहीं अभी रखा है। तो ये बड़े एक समान नीति की जरूरत पड़ेगी। हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें भी अब आगे क्या होगा लोग करेंगे, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल एक नेशनल होगी, तो एक ही भी यही एक जरूरत है इस बात की कि हमें गणित के बारे में क्या सोच रखते हैं हम, स्कूल के लोग, जो शिक्षक लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उन्हें सोचना होगा। तो ब्रेल गणित संहिता जो हम लोग अभी कर रहे थे, उसमें अब बहुत समय नहीं है और हम लोग कुछ दिनों में
इस पर भी काम कर लेंगे। ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको जो ब्रेल भारती रिव्यू ऑफ ब्रेल भारती प्रोजेक्ट था कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमारा NIVH अब तो बड़ी बाधाएं की वजह से है वहाँ। उनकी अपनी संसाधन भी कम है, और हमारे बाद जो हम वो भी बहुत नियमित रूप से तो भरा नहीं गया है, काम चलाओ ही है, कुछ लोगों को दे रखा है। तो तात्पर्य ये है कि हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चलकर हम लोग ब्रेल जो गणित की संहिता है उस पर UEB को अपनाना चाहिए। हालांकि मैं चाहूँगा कि कोई इस तरह का माध्यम तो है नहीं कि हमारा आपसे संपर्क हो, हमें पता ही नहीं कि कौन लोग जुड़े हैं क्यों नहीं, क्योंकि एक दृष्टिहीनता की अपनी समस्या है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस पर मंतव्य होना चाहिए, विचार विमर्श व्यापक होना चाहिए। हालांकि आपको UEB का पता भी नहीं होगा कि UEB में क्या चीजें हैं, तो उसको देखने से पता लगे। बड़ा व्यापक है वैसे, मैंने जो देखा है तो बहुत व्यापक है, उसे सीखने सिखाने के लिए भी हमें बहुत समय लगेगा। और लेकिन हमें पहले ये भी देखना होगा कि भारतीय संदर्भ में कुछ कठिनाइयां तो हैं उसमें, लेकिन ब्रेल मैथमेटिक्स कोड जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसमें कमियां भी देखिए कि क्या, अगर हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें, क्या अलग कोड होना ठीक है या एक समन्वित कोड, एक कंसोलिडेटेड, एक कंबाइंड कोड हो जहां सब कुछ एक साथ मिल जाए, बच्चे को अलग से सिखाने की जरूरत ना हो, वही लिटरेरी कोड में भी हम प्रयोग करें, और गणित का संदर्भ आए तो गणित सामग्री के लिए भी उसका प्रयोग करें। क्या ये उचित है, या ये उचित है कि अलग से ब्रेल मैथमेटिक्स कोड का प्रावधान होना चाहिए और जो चल रहा वो ठीक है? इस पे जरूर आप अपने अपने विचार आपस में कभी कीजिएगा, और कभी मौका मिले तो हमें भी जोड़िएगा अपने विचारों से, क्योंकि इस क्षेत्र में है तो हम लोग कार्य करते रहेंगे। तो अब मेरे ख्याल से अगर पांडे जी कहें तो कुछ सवाल अगर उनके हैं, कुछ चीजें हैं जो जानना चाहें, क्योंकि एक तरफा बातें चलती हैं तो इसमें लगता है कि हम पता नहीं चल रहा किसी की क्या उत्सुकता है जानने की और क्या अभी शेष रह गया, या संदर्भ बस कुछ चीजें निकल कर आती हैं जो जानना चाहता है। तो कुल मिलाकर कि ब्रेल गणित संहिता की जो विकास यात्रा है वो बहुत व्यापक इसलिए नहीं हो पाई, या इस पर बहुत ज्यादा बल नहीं कि इसके का भी बहुत बहुत उच्च स्तर नहीं है स्कूलों में, और इसके अन्य अन्य और भी कारण हैं। और अभी फिलहाल जो 10 सालों से जो मैं देख रहा हूँ उसमें ये अपनी कारणों से इस पर काम आगे नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अपनी राय दूं कि UEB कोड से इस समस्या का हल हो जाएगा तो उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी राय देने से पहले चीजों को समग्रता में जरूर देखा जाना चाहिए और उस पर शोध होना चाहिए, तभी कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो जो दायित्व तो दिया है ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसके संदर्भ में जब चीज आ जाएंगी, और इसमें आप लोगों को भी जरूर सम्मिलित किया जाएगा और किया जाना, वर्कशॉप वगैरह तो भी अन्य तरीके हैं, जो शिक्षक हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको उनकी राय भी, उनके साथ भी विचार विमर्श व्यापक होना चाहिए, जरूर करेगा। तो बहुत ज्यादा उस पर हम ज्यादा बात न करते हुए हम जरूर चाहेंगे कि पांडे जी और कुछ सुझाव आए, कुछ चीजें पूछें तो ज्यादा हम स्पष्ट कर पाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। हमारे श्रोता बिंदु में से जो हमारे विशेष शिक्षक हैं या शिक्षण प्रशिक्षण में लगे हुए हमारे वे विद्यार्थी जो मैथमेटिकल ब्रेल कोड पर अगर उनका कोई प्रश्न है तो अवश्य आप सर के समक्ष रखें। सर मेरा है, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए बोलिए अंबुज जी सर बोलिए। मैं अंबुज बोल रहा हूँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैंने देखा सर कि हिंदी और इंग्लिश ये दो जो ब्रेल संहिता है इसमें अपर सेल में लिखा जाता है और जो मैथमेटिक्स की गणना क्यों आवश्यकता हुई कि उसे हम लोअर सेल में ही लिखना हमें पड़ा उसको इस चीज को, या क्या उसका मुख्य कारण क्या था?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसा है कि जो लोगों ने सोचा कि ब्रेल में आप जानते हैं कि 63 चिन्ह हैं, जो गणित की सामग्री है, जो उसकी विधाएं हैं इतनी व्यापक हैं, रेखा गणित, बीज गणित और अर्थ में ये हमारे अंक गणित, इन तीनों में जो आवश्यकताएं हैं उसमें, अब आप देखिए कि शेप साइन और ये साइन तमाम तरह की चीजें हैं। तो उसमें अगर हम जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, उसमें ज्योमेट्री में सारे लिखते हैं ए बी, क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मैं बहुत नहीं रहा हूँ भाई, अच्छा जब तक 8वीं तक था तो था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। अब जैसे मान लीजिए वन कुछ आता है ना, जैसे ए बी इक्वेशन बनता है कुछ, तो अगर ए बी और वन अगर लिखेंगे तो वो उसको कैसे अंतर स्थापित करेंगे कि ये अब अल्फाबेट है या वो ये उसी का हिस्सा है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिक रूप से उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो लोअर में लिखी जाएंगी, अगर अंकों, क्योंकि अक्षरों का भी तो प्रयोग होता है, एक्स उसमें प्रयोग होता है, ए बी सी डी इस तरह के भी तो प्रयोग होते हैं ना गणित में, तो उनको अंतर स्थापित करने के लिए यही अंतिम निर्णय लिया गया। जो निमित कौर साहब थे उन्होंने ये निर्णय किया, तो ये उनकी अपनी सोच थी, इसी कारण शायद वो इतना बढ़िया बना पाए। अगर आप लोग प्रयोग करते होंगे तो काफी फूल प्रूफ है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है अपने आप में। शायद मेरी बात आपको संतुष्ट कर पाई होगी जितना बताया मैंने। यस सर समझ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम आपका सर भाई, ये चूंकि आपका हाँ सर नाम सर क्या है? मेरा नाम अम्बुज कुमार मिश्रा है। जी बोलिए। सर मैं चूंकि मैं ग्रेजुएशन मैं साइटेड में था, ग्रेजुएशन मैंने बीएससी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से ही किया हुआ है। तो अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा सर मैं ये बताइए। पूछना चाहता हूँ कि चूंकि ग्रेजुएशन में और 12th में 10th में कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिन्हें ब्रेल में कन्वर्ट कर पाना बहुत ही मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो संभव है, थोड़ा मुश्किल भी है उसके साथ साथ। तो सर क्या मतलब हम इस चीज़ पर अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इस दौड़ में हम अभी तक कहाँ पहुँचे हैं? क्या नहीं आगे समय हमारी में बातों को अगर दसवीं आपने बारहवीं के सुना, बच्चों को जी, मैं पढ़ा सकते मैं हैं? समझ गया कि ऐसे हैं जिनको ब्रेल बद्ध करना थोड़ा जी कठिन है सर ग्रेजुएशन लेवल पे, आपका मतलब यही है जी ना, जी जी सवाल आपका यही है। देखिए हाँ ऐसा जी है, सर जी सर देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत, मैं भी बहुत मैथमेटिक्स का विद्यार्थी, बताया ना कि मैं नहीं रहा हूँ, तो जी मैं जी 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 सर आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, ये सच बात है, क्योंकि आपने बीएससी कर रखा है। ये बात सही है जो आप सवाल उठा रहे हैं, इनकी बातें आई थी तभी, अभी हम लोगों ने 12th तक रखा है। अभी जो हमारा एडवांस ब्रेल मैथमेटिक कोड जिसकी हमने चर्चा की थी वो 12वीं तक है। अब यूईबी के जो कोड हैं इसमें अब हमें बहुत याद नहीं है कि वो किस स्तर तक के हैं, किन स्तर तक की आवश्यकताओं को पूरा करता है वो, लेकिन काफी व्यापक है ये सच है। उसमें क्या किया इन्होंने हाँ ना, जी जी सर देखिए कोडिंग कर रखी है उन्होंने, तीन तीन चार चार सेल इस्तेमाल किए हैं। देखिए उसको जो यूईबी, हम लोग जब बात करेंगे कभी या जिनसे पढ़ने का अवसर मिले, वो बड़ा रीडेबल बहुत कम है भाई, क्योंकि वो एक चीज को डिनोट करने हाँ के सर लिए तीन तीन चार चार सेल, कई लोगों इस पर भी बहस हुई थी कि नेमिट कोड से जी ज्यादा सर वो भी यूईबी एक कोड। कठिन काम हो सकता है सर एक साथ कर पाना। हाँ तो अब दिक्कत यह है कि ब्रेल बड़ी जटिल है, आप अगर ब्रेल जानते ही होंगे, ब्रेल बहुत कठिन है जी सर और इन जी विधाओं से हाँ सर और ज्यादा जटिल होती जा रही है, तो पढ़ना तो वास्तव में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नंबर एक। नंबर हाँ दो, जी इन जो यूईबी वगैरह जो बनाया गया, जो कोड बनाया गया, उसको कंप्यूटर फ्रेंडली ज्यादा बना रहे हैं, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ताकि कंप्यूटर की, अब तो आजकल तो ब्रेड प्रोडक्शन हमारा कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटराइज मशीनों से, तो जी 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 कंप्यूटर सर के को ज्यादा ग्राह्य बनाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी वहीं पर जो हमारे जैसे लोग या जो ब्रेल यूज करेगा उसकी सुवाच्यता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इन्हीं बातों का तो अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने यूईबी वगैरह देखा है, उसमें कई स्तर पर विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब सवाल यह है कि उसमें जो भी आज के संदर्भ में, बदलते संदर्भ में जो भी चीज है, जी
अगर कोई संभावना बनती है तो उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अगर बीए तक लड़का बीएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, तो हम जैसे लोगों या आप जैसे लोगों का दायित्व तो है कि हमें वो अवसर दें। और वो अवसर कैसे दे सकते हैं भाई? ब्रेल मैथमेटिक्स कोड के द्वारा भी एक अवसर ही है, उसको साधन नहीं देंगे तो आगे वो कैसे पढ़ेगा? जी तो दोनों जी सर, बातें नहीं हो सकती। सुवाच्यता से ज्यादा इस पर रखा गया, कम से कम उसको ये चीज तो मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि वो हर विद्यार्थी गणित की ही पुस्तक पढ़े, और हमारी आवश्यकता गणित पुस्तकों की जी नहीं सर, होगी, हम नहीं पढ़ेंगे तो हम लिटरेरी में जी अपना सर, काम चला लेंगे। वो तो उसकी आवश्यकता होगी तो वो पढ़ेगा, उसको तो भाई जरूरत है। अब ब्रेल तो अपने में ही बड़ी जी कठिन है, सच पूछो तो रिसर्च के द्वारा स्थापित हो गया है कि ब्रेल कठिन है, इसको सीखने में साइटेड बच्चों की तुलना में ब्रेल को कई साल लगते हैं, ज्यादा समय लगता है, उनकी आईक्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये सब रिसर्च से एस्टेब्लिश है सब बात। तो अब है, अगर ब्रेल को जिंदा रखना है तो ये सारी बातों से कंप्रोमाइज करना होगा। और जो आपका सवाल है, अब मैं इस पर अभी तो नहीं बता पाऊंगा कि यूईबी में किस स्तर तक के चिन्हों को उन्होंने सम्मिलित किया है, इस पर हम हाँ कभी सर, हाँ चर्चा सर, होगी तो जरूर बात करेंगे। सर मैं थोड़ा एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, वो पार्सल मतलब रिसेंटली ब्लाइंड हुए हैं, और उनका आगे भी उत्सुकता रहता है कि मैं आगे मैथ से ही एमएससी करता हूँ। तो उन सर सर उनका क्या होता है कि वो बेचारे मतलब उस दौर में नहीं जा पाते हैं, या तो हर चीज़ें तो रिकॉर्डिंग में नहीं मिल पाती हैं, या हर चीज़ें ब्रेल में नहीं मिल पाती। मैथ के सारी चीज़ों को मैथ में उपलब्ध करा पाना ब्रेल में बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, ये एक तरह का। नहीं अंबुज जी, एक बात बताइए कि केवल मैथमेटिक्स कोड की ही समस्या ब्रेल की नहीं होगी। अब मान लीजिए जब आप हाँ सर, उस स्तर पे काम करेंगे तो उस तरह के सहायक सामग्री भी जैसे ज्योमेट्री किट होनी चाहिए, उसको आप कैसे हाँ जी समीकरण जी बिल्कुल, बनाएं, बातों पर भी आप लोग हाँ सोचते सर, हैं। अभी तक जो पर्याप्त हमारे एनआईवीएच ने बनाया है, आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा जरूर होगा सर देखें सर, आपने स्तर। उसमें काफी काफी चीजों को रखा है उन्होंने, लेकिन है फिर भी आवश्यकता अभी है, ना अभी सर आवश्यकता उसमें? काफी चीजों को सर अरे तो उन्होंने आप रखा जैसे है। लोगों की यह जरूरत है, आप लोग आइए आगे बढ़िए। जब इस क्षेत्र में हैं तो आपके साथ जी सर, दोनों बातों का, एक तो साइटेड का अनुभव, दूसरे पढ़ने पढ़ाने का अनुभव जी ब्लाइंड फील्ड का, तो ऐसे लोगों को तो आगे आना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस फील्ड में, ताकि जी आपको सर, दोनों का अनुभव है, साइटेड फील्ड का भी और ब्रेल जी ब्लाइंड फील्ड का भी, तो दोनों के समन्वित प्रयास जी से बहुत सर, अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो कुछ नयापन आना सर चाहिए, मैं आप एक वो बात बता और सकते भी एक कहना जी। थोड़ा सा मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस समय बच्चों के हो रहे हैं, उसमें सर मैं देख रहा हूँ कि मतलब राइटर तो पूरा राइटर बच्चे हम सारा एग्जाम नहीं दे सकते, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं सर कि मतलब बेचारे कभी मैथ नहीं पढ़े होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है मैथ पढ़ने में, तो उनके लिए भी सर कुछ ऐसा हो कि जो इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि वे भी अपने स्वयं से कर सकें इन सब चीज़ों को। नहीं, वो सारी समस्याएं जो आपने बताई है ना, वो उसी का हिस्सा है कि ब्रेल टीचर जो जो हमारा मैथ्स टीचिंग स्तर है वो उस तरह का अभी विद्यालयों में जी हुआ सर, नहीं है। उनमें जो मैं जिनकी चर्चा हमने की, जी अगर सर, आपने ध्यान से सुना हो कि कई जगह बोर्ड से छूट मिली हाँ हुई सर, है, सुन हाँ सुन रहे थे सर, सुन रहे थे, मैंने कई आपकी बात बातें सुनी और थी। हैं उसमें जो कि उचित ध्यान न देना, उन बच्चों की तो जरूर दिक्कत होगी जो उनका बैकग्राउंड ही है। सच बात है, जैसे आप जैसे लोगों का जी सर, बैकग्राउंड है तो निश्चित रूप से आगे उसको वो कैसे जी कंटिन्यू करें, उसमें और संवर्धन कैसे करें, इसके लिए तो सही बात है कि सामग्री, उपयुक्त सामग्री संसाधन होने चाहिए मैथ। तो उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत तो है मिश्रा जी। अब जी समझ सर, जी सर, सर जी, नमस्कार। धन्यवाद अंबुज जी, थैंक यू सर, थैंक यू अंबुज जी सर, धन्यवाद। अब हम धन्यवाद लोग अगला प्रश्न मंसूरी जी से लेंगे। हाँ आदरणीय मंसूरी जी, कुछ हाँ पूछना नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, मैंने 1989 में जब आईजे चौकसी थे तब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चौकसी जी थे जी। तब मैं आपसे मिला हूँ शायद ओरिएंटेशन मोबिलिटी में। आप गुजरात के तो नहीं है? हाँ, गुजरात के सर, वो हर्षद भाई जोशी साहब से जो मैथमेटिक हाँ कोड का आविष्कार हुआ था जी जी उस जी टाइम वो वहाँ आए थे, जी और तब ये ब्रेल के बारे में काफी कुछ बहुत सालों बाद हुआ था। अरे मुझे याद आ गया, मसूरी आपको, आप आते थे शायद, जोशी जी के साथ भी आए हैं एक दो बार आप।
ऐसा मुझे हाँ, लगता फिर है। दूराराज जी आए और सब हमारा ट्रेनिंग उस टाइम खत्म हुआ, तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग मैं और दी है। ब्रिजेश शर्मा जी और सब साथ में थे, और जी, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी की सेकंड बेस थी उस टाइम सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और शुरुआत बहुगुणा था। जी, एसपी बहुगुणा जी प्रिंसिपाल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुराने जमाने की बात याद में आपने ताजी करा दी हमें। बहुत अच्छा लगा। मसूरी जी कैसे हैं? ठीक ठाक? आप तो काफी, आपकी भी उम्र हो गई होगी। और आपके साथ उस एक टाइम नीलेश आपके भी थे दर्शन ना? और सब उसका टाइम कर चुके हैं हाँ, सर। मुझे याद आ हाँ, गया, नीलेश आप शर्मा था मसूरी ना का। सर। हाँ, मंसूरी सर, मंसूरी नीलेश सर, सादर धन्यवाद आपको, जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ और प्रश्न है जी अगर अब आप ये मेरा श्रेष्ठों प्रश्न का ये है सर जी, आशीर्वचन हो तो मैं ले लूं। हाँ जी, जी अब मेरा प्रश्न ये है सर से कि जी ये जो टेलीफोन रहते हैं सर, जी उसमें जो बिल बिल्डिंग 5 नंबर पे वो डॉट्स रहता काफी है, बच्चे बच्चे पूछते हैं हमसे कि इनके पीछे का हिस्ट्री जी क्या है, तो कोई कुछ कुछ बता देता है, लेकिन उसका थोड़ा हिस्ट्री जानना था कि जो लैंडलाइन रहते हैं, जो कीपैड रहते हैं, उसमें 5 नंबर का जो है उसके ऊपर एक बिंदी रहता है, उसके बारे में जानना था। हाँ, होता तो है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा व्यापक, मैं इधर उधर की बात तो नहीं करता, और इसमें कोई ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है। ये ऐसा लगा मुझे कि शायद कब हुआ, कैसे हुआ है तो नहीं जानता, लेकिन उसके लॉजिक तो समझ में आता है कि जो 5 होता है ये बीच में होता है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 और यस सर, 7 8 9, तो बीच में उन्होंने रख दिया हाँ ताकि उसका ओरिएंटेशन करने में सुविधा हो, जो उन्होंने रखा लॉजिक, लॉजिकल सिक्वेंस इसलिए रखा उन्होंने। तो कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ हो, इसको मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता इस बारे में कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन उसका लॉजिक तो समझ में आता है कि बीच में, अगर आपको पता हो तो आप जो हमें बताइएगा, अगर कुछ हो तो कब हुआ कैसे नहीं, हुआ। वो लेकिन मालूम बहुत नहीं दिनों था से, सर, इसीलिए मैंने बोला ये 5 नंबर और क्यों ये रखा जाता है ना। बहुत दिन से है ये। और जब हमारा ये, आपको याद होगा कि जब हमारा टेलीफोन पहले रोटेटिंग सेट हुआ करता था, जिसमें घुमा घुमा करके नंबर मिलाए जाते, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें कुछ नहीं। जब से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आने लगे ये इंस्ट्रूमेंट, तब से मैंने देखा है कि अब कई कंपनियों ने और चीज़ों पर जो इंडिकेशन देने लगे हैं। अब जापान ने तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अपने लिए भी बना रखे हैं कई चिन्ह, जैसे कि अब एक्सपेक्ट, अब उनका कार्ड होता था पहले वर्चुअल कार्ड, तो इसको बताने के लिए कार्ड देते हैं, मतलब तो इन अलग अलग उन्होंने बनाए हैं। लेकिन इस पर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंपनियों में हुआ हो तो जरूर हुआ है, तभी तो सारे फॉलो कर रहे हैं। ये बात सच है कि एक आदर्श स्थिति उत्पन्न की गई है, तभी इसका निरंतर निर्वहन हो रहा है। तो अब कैसे हुआ ये मुझे बहुत नहीं मालूम है। ठीक अगर है किसी श्रोताबिंद का वर्तमान विषय पर मैथमेटिकल ब्रेल कोड अथवा ब्रेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो अवश्य रखें। कोई अगले श्रोताबिंद? सर, जी, जी क्या बेटा? जी बोलिए। सर ये बता दीजिए, मैथ लिमिट ब्रेल कोड में कितने साइन होते हैं पूरे? आपका नाम क्या है? शालिनी यादव। ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल, शालिनी एक बार आप अपना प्रश्न पूरा करें। सर ये जो आप बता रहे हैं ना, लिमिट ब्रेल कोड में कितने पूरे साइन होते हैं, जैसे कि उसमें हिंदी में 163 होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें कितने होते हैं पूरे साइन, ये नहीं, अभी जो पूछना। हमारे भारत में प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये 183 होते हैं, कि 183 हैं जो अभी हम प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है शालिनी जी, उसमें उसमें एक सौ तिरासी शालिनी, शालिनी आपके प्रश्न के उत्तर में सर ने बताया 183, 183 ब्रेल जो कोडों का अभी हम प्रयोग प्रयोग भारत में में ला रहे किया जा हैं। रहा है। नेक्स्ट कोई प्रश्न? सर अभी आप जो प्लस का साइन होता है 3 4 6, तो सर उसको एक बार ये कंफर्म कर दीजिए सर, ये जो प्लस का 3 4 6 है, ये हमारे भारतीय ब्रेल में है या फिर अमेरिकन ब्रेल?
हाँ, ये बहुत आपका सवाल बहुत जटिल। देखिए, ऐसा 3 4 6 अगर हम देखें तो ये निमित कोड में ही है। 3 4 6 भारतीय ब्रेल में हम 3 4 6 नहीं यूज करते। जो हमारा लिटरेरी ब्रेल कोड है, मतलब जैसे मान ली लिखते हैं ना दिन धन ईश, या कोई आसान संदर्भ बस हिंदी में लिखें या कोई भी, तो उसमें जो प्लस का साइन है वो हम लोग दूसरा यूज करते हैं, वो 3 4 6 नहीं यूज करते। ये सच है कि जो यही तो मैंने बताया आपको कि जो नियमित कोड है उसके चिन्ह कुछ और हैं, और जो लिटरेरी संदर्भ में या अमेरिका वगैरह में भी है, ऐसा नहीं है, तो पहले तो उनके यहाँ भी था तो उसमें भी यार अलग है ये। तो हमारे यहाँ जो भारत में यूज करते हैं .56 2 3 5 जो फ वाला साइन है उसको हम यूज करते हैं लिटरेरी संदर्भ में, मतलब साहित्यिक जब पुस्तकें होती हैं हम लिखते हैं। ठीक है। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर, हमारे जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में सर, मैथ मैथ पढ़ना किसके द्वारा ज्यादा इजी होता है? मैथ ये ब्रेल के द्वारा या अबेकस या फिर टेलर फ्रेम के द्वारा? क्या नाम आपका? शालिनी है आपका? क्यों, वही है? वही दूसरी है? हेलो, क्या नाम? रुचिपाल नाम? शालिनी है? शालिनी नहीं सर, नहीं सर, ये रुचिपाल है, रुचिपाल। अच्छा, रुचि जी, बहुत बहुत जटिल प्रश्न आपने पूछा है वैसे ही है। और ये तो एक तरह से बात की जाए तो 1 घंटा तो ऐसे बात की जा सकती है, अबेकस वर्सेस टेलर फ्रेम, क्योंकि ये एक विवादित तो नहीं कहूँगा, मतलब कंट्रोवर्शियल तो है, कंट्रोवर्शियल मतलब, लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, शायद आपसी सीमाएं हो समय की, लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि इन दोनों के अपने अपने लाभ हो सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि टेलर फ्रेम और अबेकस की बुनियादी अंतर को समझ लें तो आप खुद निर्णय ले सकती हैं कि फिलहाल बच्चों के लिए कौन हो। मैं नहीं बताऊंगा इसलिए कि हमारा बताना उचित नहीं रहेगा कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, लेकिन अगर जब आपका विचार हम जान जाएंगे तब हम अपना निर्णय दे सकते हैं। लेकिन टेलर फ्रेम पे जब हम लिखते हैं 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू इतना, पूरा इक्वेशन लिखा जाता है और उसमें एक आंसर आता है। अबेकस में जो हम लिखते हैं वो डिसअपियर हो जाता है। हमने क्या लिखा, 2 + 2, अगर उसका आंसर 5 आया तो आप नहीं समझ पाएंगे कि 2 + 3 जोड़ा था या 2 + 2 जोड़ा था, ये सच है ये। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप खुद तय कर लीजिए कि कौन सा एक दूसरे से श्रेष्ठ। शायद मैं इतना ही संतुष्ट कर पाऊंगा अभी, बाकी और भी बहुत चर्चा होती ही रहेंगी, इस पर हम कर सकते हैं अभी कस वर्सेस टेलर फ्रेम। धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूँ समय का भी बाउंडेशन है, 3 से 4 नहीं, का अगर समय। अगर आपको इच्छुक हो जो अभी चाहते हैं उनको हिमानी, पढ़िए, हिमानी कुछ पूछना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, बेटा समय हिमानी से। पूछो, हाँ अगर कुछ पूछना है तो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा एक अपना खुद का सुझाव था, रिकमेंडेशन था। अभी अंबुज सर ने एक प्रश्न पूछा था कि जी जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते तो उनको कंपटीशन में मैथ्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सर मेरा भी खुद का ऐसा सोचना है, जो मैं इस पर थोड़ा वर्क भी कर रही हूँ, कि अगर हम VI बच्चों को, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम मेंटल मैथ्स पर थोड़ा फोकस करें, मेंटल मैथ्स सिखाएं, तो सर मुझे लगता है शायद कुछ वो बच्चे अपना कॉन्फिडेंटली कॉम्पिटिशन में भी मैथ्स फाइट कर सकते हैं। और नहीं, सर जैसे आपका सुझाव बहुत सुंदर है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ मैं और मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सोच मेरे पास है, लेकिन वो ज्योमेट्री और उसमें क्या मेडिकल कितना चलेगा ये तो आप शायद ज्यादा जानते हो, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज ज्योमेट्री उसमें नहीं है भाई, कि कितना मेंटली आप उसको, क्योंकि इक्वेशन मान लीजिए है अगर उसमें आप ठीक कह रहे हैं, सर रिमेडियल रिमेडियल टीचिंग कराया जा सकता है अगर कुछ लोग प्रयास करें तो, अच्छी बात है कराएं, लेकिन उस क्षेत्र में सर कितना मैं मेंटल थोड़ा आपका। हाँ बोलिए, सर समय की बाध्यता है, कुछ और कार्यक्रम है, तो मैं क्षमा चाहूंगा ठीक है थोड़ा ठीक है सा। ठीक। अच्छा मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद,
हमारे सभी प्रतिभागियों का, उन्होंने बड़े ही ऊर्जावान सुझाव दिए और साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों को सर के समक्ष रखा जो अनुभवित और सभी विद्यार्थियों के समन्वित भावों को एक कर रहे थे। हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता श्री वीरेंद्र सिंह सर ने अनुभवों के द्वारा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यता थी मैथमेटिकल ब्रेल की, उसको रखा और प्रत्येक घटनाक्रम को एक एक सारगर्भित भावों की और उसके साथ घटित घटनाओं के साथ वर्णित करते हुए हमारे बीच रखा। यह तो सत्य है कि जब श्रेष्ठतम अपनी वाणी की प्रस्तुति करते हैं तो समय की उपलब्धता अनुपलब्धता में युक्त हो जाती है, और आज यह उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जब सर बोलते हैं तो एक घंटा ऐसे बीत जाता है कि लगता है अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज भी वही हुआ, अभी भी बहुत से प्रश्न, अभी भी बहुत सी चेष्टाएं सामने खड़ी हैं। और मैं अगले किसी कड़ी में सर से फिर निवेदन करूंगा इसमें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विकास मिश्र जी को कि आए और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता तथा हमारे सभी विशिष्ट जुड़े हुए प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर आज के कार्यक्रम को अग्रमुख करें। आदरणीय श्री विकास मिश्र, धन्यवाद नागेश सर। सर्वप्रथम इस आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर जुड़े आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर ने अपने बहुत महत्वपूर्ण समय में से अपना कुछ समय हम लोगों के लिए दिया। सर हमारे जैसे सैकड़ों स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए जो भी रिसोर्स पर्सन हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं, उन सभी के एक मार्गदर्शक हैं, मेरे तो अभिभावक हैं सर। और सर को सर का धन्यवाद करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और एक अभिभावक के रूप में मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि सर को जब भी आग्रह करूंगा सर हमारे सीआरसी लखनऊ के पटल पे उपस्थित होंगे। सर एक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सीआरसी लखनऊ के द्वारा इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, लगातार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, ई ट्यूटोरियल, वीडियो ट्यूटोरियल और साथ में मोटिवेशनल टॉक और टॉक शो आरंभ किए जा रहे हैं और उनमें से कुछ का हम लोग अभी प्रोसेस में हैं सर, शुरू होने वाले हैं और कुछ अभी चल रहे हैं। तो सर ये इस कोरोना वैश्विक महामारी में सीआरसी लखनऊ की एक उपलब्धि है और ये हम सभी के, हमारे जितने भी सीआरसी में जितने भी कलीग हैं, हमारा सीआरसी का जो भी स्टाफ है वो इन सभी कार्यों में एक साथ मिलकर काम कर रहा है और आप जैसे मार्गदर्शक, आप जैसे रिसोर्स पर्सन को बुलाकर हम लोग सभी पार्टिसिपेंट के लिए, सभी बेनिफिशरीज के लिए इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। तो सर आपको सादर प्रणाम करते हुए एक बार फिर मैं सीआरसी लखनऊ की संपूर्ण टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर का, जो कि हमारे साथ में मिलकर इस तरीके के वेबिनार, इस तरीके के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथी कोऑर्डिनेटर नागेश पांडे सर का, जिनके एक जिनका संचालन बहुत ही अच्छा होता है किसी भी वेबिनार में, किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम में। सर का संचालन हम सभी के लिए बहुत बढ़िया रहता है और हम सभी लोग बड़े आनंदित भाव में इसको सुन पाते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आईटी एक्सपर्ट जो कि लगातार बहुत व्यस्त हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। मैं सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कंटिन्यू 24 आवर्स सुमित जी काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी।
और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट का, क्योंकि आपकी सहभागिता के बिना, आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना शायद इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है। आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी समस्त सीआरसी की टीम का जो लगातार इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में लगातार लगी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी लोग, एक कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है इसलिए आप सभी लोग एग्जिट कर सकते हैं। और सर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा और सर को सादर प्रणाम करना चाहूंगा कि सर हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें इसी तरीके से, क्योंकि सर का मार्गदर्शन हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद, धन्यवाद विकास, सादर धन्यवाद विकास सर, और सादर धन्यवाद सभी जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रतिभागी जन थे, श्रेष्ठ जन थे, विद्वत जन थे। पुनः धन्यवाद वीरेंद्र सिंह सर का। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा था, उसमें कई हमारे प्रतिभागी जन ने चिंता व्यक्त की थी सर्टिफिकेट की। मैं आप सभी प्रतिभागी जनों को आश्वस्त करना चाहूंगा, सियासी